बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में सरकारी विज्ञापन विवाद मामले में आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है। दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने यह नोटिस भेजा है। 10 दिन के भीतर 164 करोड़ रुपए जमा करने को कहा गया है। यह पूरा मामला सरकारी पैसे को पार्टी के विज्ञापन में खर्च करने के विवाद से जुड़ा हुआ है। उपराज्यपाल ने पहले ही इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से विज्ञापन पर हुए खर्च की वसूली करने का निर्देश दिया था। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली में सरकारी विज्ञापन विवाद मामले में आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है। दीपक रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, 164 करोड़ रुपए का नोटिस, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है इस पर? अजी देखिए, पिछले महीने ही उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव जो है दिल्ली के, उनको ये कहा था कि दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने अपने प्रचार प्रसार में काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है। 97 करोड़ की बात तब कही गई थी कि 97 करोड़ रुपए ये लोग खर्च कर चुके हैं, जिसकी जांच तुरंत करानी चाहिए। उसके बाद जो DIP विभाग है, जिसकी तरफ से ये एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, उन्होंने पूरी जाँच की और अब जो DIP विभाग से ही एक नोटिस जो है वो अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। तो 164 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। 10 दिन के अंदर रिकवरी कही गई, 10 दिन के अंदर रिकवरी की जाएगी और साफ तौर पर यह कहा गया कि उन्हें यह जमा कराना होगा, वरना यह जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट है और सीधे तौर पर जो प्रचार प्रसार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी करती रही है, उस पर एक बड़ी रोक लगाने की तैयारी भी उपराज्यपाल की तरफ से की जा रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।